देवर रोड परिसर में प्रेमी ने की प्रेमिका की निर्मम हत्या। इस हत्या के जांच में जुटी देवर रोड पुलिस ने बीते 24 घंटे के अंदर ही प्रेमी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार करके पूरा मामला उजागर किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी प्रेमी ने शनिवार को रात 2 बजे प्रेमिका को उसके घर से अपहरण किया। उसे देवर रोड के आदर्श नगर परिसर में एक सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां उसका गला दबाकर पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने युवती की लाश को खदान में फेंक दिया। देवरोड पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछले कुछ सालों से 35 वर्षीय प्रशांत गायकवाड़ नामक प्रेमी, जो कि पहले से ही शादीशुदा था, उसने 20 साल की प्रिया चव्हाण नामक प्रेमिका को अपने प्रेम जाल में फंसाकर 5 सालों से इन दोनों का प्रेम प्रकरण चल रहा था। इसके दौरान उन्हें एक बेटी हुई। उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका से शादी की। शादी के बाद दोनों के बेटी की देखभाल करने को लेकर विवाद होते थे। इस बात को लेकर आखिर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में आगे की जांच देवर रोड पुलिस कर रही है। रेशमा चव्हाण, इन्होंने फिरियाद दी कि हमारे पास कि उनकी बहन प्रिया चव्हाण और प्रशांत गायकवाड़ के नाजायज ताल्लुकात है। गए 5-6 साल से उनसे उनकी बहन प्रिया को लड़की भी हुई है। लड़की 5-6 महीने की है। रात में वो आया था घर पे, झगड़ा हुआ और ज़बरदस्ती वो बहन को लेके गया। वो बार बार ऐसा होता है, लेकिन अभी बच्चा घर पे रहते हुए भी छोटा दूध पिता, वो अभी 12 बजे तक वो वापस नहीं आई। तो उसलिए हमने उसके ना आरोपी प्रशांत गायकवाड़ के नाम से उसकी फिरियाद पे 363 का गुनाह दाखिल किए। तुरंत हलचल करते हुए, तपास करते हुए हमने टीम बना के आरोपी को ढूंढ के रात तक ढूंढ के निकाला। फिर उसको अरेस्ट करके उसके साथ तपास किया, तो उसने गुनाह कबूल किया कि मैंने घर से ले जाके वहाँ पर नज़दीक एक खदान है, खदान में जाके वो गुस्से में उसको पहले गला दबा के मारा, फिर पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। मेरे साथ मेरे साथीदार भी थे और वो साथीदार की मदद से मैंने उसको उठा के खदान के पानी में डाल दिया, डेड बॉडी। बाकी जो आरोपी है उसमें विक्रम राठौड़ है, वो भी अरेस्ट किया गया है। दूसरा एक अंडर एज है, उसको भी हमने ताबे में लेके उनके पालक के पास हमने छोड़ दिया है। इसमें फिरियादी जो मयत मृतक की बहन है, उसका कहना है कि जो लड़की हुई उसके संभालने संगोपन के ऊपर से उनके झगड़े होते थे, वो पैसे की कमतरता की वजह से देता नहीं था। लेकिन जब आरोपी से पूछा गया था, आरोपी का कहना है कि जो मृतक है उसका भाई जेल में है, तो जेल में उसको छुड़ाने के लिए वो पैसे मांग रही थी और उसी दिन शुक्रवार को उसने मेरे घर पे आके तोड़फोड़ की, मेरी पत्नी को कुछ गलत बयान की और घर मेरी गाड़ी भी फोड़ी। उस वजह से मैंने गुस्सा आके दारू पी के मेरे साथीदारों के साथ कट करके मैंने उसका मर्डर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज़, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।